कल मैंने जैसे वो थंडरिंग वाला मैंने वीडियो लिया है, उसके बाद ज़्यादा देर मैंने वेट नहीं किया, उसके बाद काफ़ी थक गया था मैं, तो आते ही सो गया था। और अभी थौर यहाँ नीचे आवाज़ दे रहा है, उसको सुसु आ रही है, तो हम मैं नहा चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ और अब यहाँ से निकलेंगे। पर उससे पहले आपको बालकनी से जो व्यू है वो दिखाता हूँ एक बार। खड़े हुए और भाई साहब बालकनी में जाना चाहते हैं, बट बालकनी में क्या है, इस तरफ वाली बालकनी में एक्चुअली लोग हैं, तो ये उनको डराने की कोशिश कर रहा है। बोले मैं हूँ यहाँ पे, मेरी बालकनी मेरी है और मैं इस बालकनी का जयकान छिक रही, तो इसलिए उसको अंदर ले लिया। अब बार बार बाहर जाने की जिद्दे कर रहा है, बट आप देख सकते हो व्यू बहुत ही अच्छा है। तो मेन तो यार ये व्यू के लिए आप आते हो यहाँ पे, और ये व्यू बहुत ही शानदार है। चलो अब यहाँ से निकलेंगे, करीबन 7 बजने वाली है, तो जल्दी से निकलेंगे। अब यहाँ से तो आपको जैसे पहले बताया था, हमें जाना है दिल्ली, दिल्ली में जाना है हमें ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम, और हमें चेंज अपग्रेड करवाने हैं हमारी लाइट्स, हेड लैम्प्स और फॉग लैम्प्स दोनों को, बेसिकली हाई बीम और फॉग लैम्प्स दोनों को, तो बेसिकली वो करेंगे। अजूम का हम लोग लगवाने वाले हैं, दैट्स द प्लान। तो चलो देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। अब फाइनली निकल गए, थोड़ा सा लेट हो गया चाय वगैरह पीने में, और यार एक बार आप ये व्यू है आप देख सकते हो, और पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे हिमालयाज दिख रहे हैं आपको, और यहाँ बर्फ़ हो रखी है, हल्की सी ठंड है, 18-17 डिग्री तक जा रहा है, 14 डिग्री तक इनफैक्ट जा रहा है टेम्परेचर। और ऊपर ओए उधर नहीं, ऊपर गाड़ी खड़ी है पता है, इधर आ, और ऊपर इधर आओ ऊपर। ओहो मान नहीं रहा भाई साहब, बट जो भी आप देख सकते हो हिमालय दिख रहे हैं पीछे, और अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है और इसमें सामान रखने हैं, तो जो मेन बैग है वो रख चुके हैं। और कल मैंने क्या उल्टी लगा के खड़ी कर दी थी कि सुबह जल्दी निकलना होगा, तो फट से निकल जाएंगे हम लोग, इसलिए डीजल ऑलरेडी भरा चुके हैं, मैं सबको बताया था। तो बस अब थौर को बैठाना है और फिर अब यहाँ से चलेंगे। थौर फाइनली बैठ गया, थौर अंदर अंदर हो जाओ, अच्छे से अंदर हो जाओ। हाँ तो थौर बैठ गया, और अब मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, और बस अब यहाँ से निकलेंगे गणेश जी का नाम लेके। तो गाड़ी कल मैंने ऐसे खड़ी कर गई थी, तो एक बार रफ रोड पे भी डालूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी आप देख सकते हो, इसमें कई कई जगह काई है। फिर चलने लगी, स्टार्ट कर दिया और कुछ स्टार्टिंग ट्रबल कुछ नहीं हुआ, एक बार इग्निशन में थी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, गणेश जी का नाम ले लिया हमने। अब हम यहाँ से मैं पहले इस गाड़ी को रफ रोड मोड पर डाल देता हूँ एक बार के लिए, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगी गाड़ी। इस गाड़ी को रफ रोड मोड पर डाल रहा हूँ, तो ये वेट मोड पर चली गई है और रफ रोड पर डाल दिया, और गाड़ी रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। तो चलो अब देखते हैं गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस होता है। जो डेस्टिनेशन है अभी के लिए मैंने डाला ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम करोलबाग, तो हम वहाँ जाएंगे, कार की हेड लैम्प्स को हम अपन को अपग्रेड करना है, और उसके बाद वहाँ से अपन घर चलेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अच्छा तो मैंने यहाँ से जो मैप पे डाला लोकेशन, वो जैसे मैंने आपको बताया ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम का डाला है, और वो करीबन यहाँ से एक्चुअली 321 था, तो 3 किलोमीटर कवर कर लिया, तो अभी 3 आवर्स 18 मिनट्स टू गो, मतलब 3 आवर्स 18 किलोमीटर्स, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 आवर्स 39 मिनट्स टू गो, और 318 किलोमीटर्स हमें कवर करना है। तो मेन मुझे बस एक डर ये है कि जो गंगा जी वाला रास्ता है वहाँ पर ट्रैफिक जैम मिलेगा, तो वो हमें बस एक देखना पड़ेगा। उसके अलावा आई थिंक इट्स वहाँ एक बार दिल्ली पहुँच जाए, फिर दिल्ली से जयपुर वुड भी मतलब क्वाइट ईजी, बट जब तक हम लोग जल्दी से बस वहाँ पहुँच जाए और हमारा काम हो जाए जल्दी से, मैं तो ये सोच रहा हूँ ज़्यादा भीड़ ना हो दुकान पे आज, तो मेन चीज़ ये है। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ उनसे, तो उनने तो कहा था आप ले आइए, मैंने क्योंकि मैंने बोला 1-2 बजे तक पहुँचूंगा मैं, बट उस हिसाब से देखते हैं कब तक पहुँचूंगा, क्योंकि 2 बजे का मुझे टाइम बता रहा है, 2:15 बजे का, तो देखते हैं बस। ठीक है चलो, बहुत अच्छा था, तो मैंने यार एक गाड़ी को यहाँ पर रोक के एक बार व्यू देखा, और आप गाड़ी देखो कितना बढ़िया व्यू है, और गाड़ी मैंने ऐसे खड़ी कर रखी है और साइड में एक्चुअली तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो अब यहाँ से निकलेंगे फटाक से, अब ज़्यादा रुकेंगे नहीं कहीं पे। व्यू देखो आप गाइस, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर व्यू है, और साथ में अपनी नंदी यहाँ खड़ी हुई है, नंदी ये खड़ा, और अब आ रहे हैं।
आप पीछे का व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर कमाल का व्यू है। आप इस तरफ देखिएगा, मैं अगर कांच नीचे करूँगा तो साफ दिखेगा, तो बहुत ही अच्छा व्यू है इधर का। और रात को आई थिंक माउंटेन्स वगैरह आपको दिखे होंगे जो उसमें लाइट्स वगैरह आती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है रात को भी। और अभी दिन में सुबह का टाइम है, हल्का सा सूरज आ ही रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी भी। भीमताल क्रॉस कर रहे हैं और आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है भीमताल, और ये भीमताल लेक है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल सेंटर में चारों तरफ पहाड़ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हथगोड़ा हल्द्वानी 25 किलोमीटर रह गया। हल्द्वानी आ चुके थे और यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, नाश्ता कर लिया जाए, तो हिडन लीफ रेस्टोरेंट करे, कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाना खा लेंगे, तो यहाँ नाश्ता करिए फिर यहाँ से चलते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है ये, आप इसको बहुत जगह है, अगर आप बाहर बैठना चाहें तो भी बैठ सकते हैं। हम लोग अंदर बैठे हुए थे और अंदर भी काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे एक फीमेल डॉबरमैन है, उसका नाम चिंकी है। बात करी तो उन्होंने एक्चुअली बोला कि थॉर को भी अंदर ले आओ, वो गार्डन में खुली जगह है तो वहाँ पे उसको डाल सकते हैं, वहाँ पे आराम से खेल सकता है, घूम सकता है, तो उसको भी अंदर लेके चलते हैं। चलो उतरो, गुड बॉय, चलो थॉर चलो ठीक है, 1 2 3 गो। और नो आजा, इधर आओ इधर आओ। ओए ओए नो, और नो क्या हो गया? नो और नो भाई, और चलो हो गया, अब काफी लेट हो गए यार, बट खाना खा लिया तो अब यहाँ से निकलेंगे। भाई को पानी पिला दिया और अब यहाँ से चलेंगे, और चलो गाड़ी में बैठो, ठीक है चल रहे हैं। तो डिस्टेंस से यहाँ से बचा है वो 266 किलोमीटर्स है, और जो एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है वो 338 हो गया, करीबन एक घंटे हम लोग लेट हो गए हैं। तो अब होपफुली इसको कवर करेंगे, नॉन स्टॉप जाएंगे, और वैसे जो टाइम लग रहा है वो अभी 4 hours 52 minutes और लगेगा यहाँ से दिल्ली तक, तो होपफुली हम इसको जल्दी से कवर कर लेंगे और फटाक से पहुँचेंगे। अब नो मोर ब्रेक्स। तो अभी वापस वन विभाग का एरिया आ गया, और आप देखते तो बहुत ही सीनिक है। हम लोग जब उस टाइम आए थे, जब हम आए थे कल, जब इतनी धूप नहीं थी,
और वैसे इसमें से धूप रोड पे ज़्यादा आती भी नहीं है, बट इस ऐसी रोड्स पे चलाने का ना अलग ही मज़ा है। दो लेन है और प्रॉपरली आप मतलब बहुत स्मूथ रोड्स हैं, बाकी आप दोनों तरफ देख सकते हो पूरा हरा जंगल है प्रॉपर, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यार ये तो मतलब ऐसी रोड्स का अलग ही मज़ा है, जो अपन कितने भी एक्सप्रेस वेज बना लें कुछ भी कर लें, बट जो इन रोड्स का मज़ा है ना वो अलग ही है, इन रोड्स पर ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। तो बस अभी जैसे बताया आपको डिस्टेंस 261 किलोमीटर्स मोर टू गो, तो होपफुली जल्दी पहुँचेंगे। तो गूगल आंटी हमें रामपुर ले आई, पता नहीं होंगे कुछ GPS में गड़बड़ थी, तो वो NH9 से उन्हें उतार दिया, अब हमें पहले स्ट्रेट ले गई और फिर वहाँ से किसी लेन होते हुए हम लोग वापस अब ये रामपुर आ गए हैं, और रामपुर से अब हमें वापस NH9 पे 2.9 किलोमीटर्स में जाने के लिए बोल रही है। तो अब यहाँ से एक डिस्टेंस का अपडेट देता हूँ, 198 किलोमीटर्स मोर टू गो टू दिल्ली टू ऑल्टो म्यूजिक एम्पोरियम इनफैक्ट, और 326 एस्टिमेट टाइम अवेलेबल, थोड़ा टाइम कम हुआ है, थोड़ा सा हम लोग कवर अप कर पाए, तो हो सकता है NH9 पे पर आए तो फिर से थोड़ा सा और कवर अप कर ले, तो देखते हैं इस टाइम को बीट करने की कोशिश करेंगे, करीबन 3 बजे तक या 3:15 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे उनके वहाँ। तो चलो गाइस अभी तक के लिए सब कुछ बढ़िया। तो अभी हमने जस्ट गंगा जी को क्रॉस किया है और आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, उस कल हमें 3 घंटे लगे यही ब्रिज क्रॉस करने के लिए, इतनी भीड़ थी, अभी बिल्कुल भीड़ नहीं, शायद दिन का टाइम है शायद इसलिए भी, क्योंकि अभी करीबन आप देख सकते हो 120 हो गया। और आपको मैं एक डिस्टेंस का अपडेट देता हूँ गाइस, तो अभी जो हमारा एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है वो 311 हो गया है, तो थोड़ा हमने कवर किया है और 105 किलोमीटर और है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम के लिए, तो होपफुली हम इसको कवर कर लेंगे। और बाकी जो एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है जैसे मैंने आपको बताया 311 है। बुलंदशहर बलवाड़ा था, वो सबसे अभी तक मैं अगर एक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहूँ तो काफ़ी मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा और अच्छे से डेवलप दिख रहा है और सुंदर दिख रहा है शहर, थोड़ा ब्यूटीफाई किया गया है और मतलब रोड्स वगैरह भी प्रॉपर हो चुकी हैं, अभी तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम मैं आया था आई थिंक थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे थे, बट अभी पूरा पैच सब कुछ पैच वर्क किया है, बहुत प्रॉपर कर लिया है, तो इट्स जस्ट लाइक द कैपिटल ऑफ इंडिया शुड लुक लाइक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे आके जहाँ पे आर्मरेस्ट है वहाँ पे सर रख के सो गए हैं, बोले तू क्या आर्म रखेगा, मैं सर रखूँगा। तो फाइनली यहाँ से दिल्ली से निकलने का प्लान किया कि हम लोग यहाँ रुक नहीं रहे, पहले सोचे थे कि यहाँ पे डंकन डोनट्स वगैरह पैक कराएंगे, बट अभी ये है कि अब सीधा निकलेंगे, तो अभी आप जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अब एनी पे खाना खाएंगे, एनी पे हल्दीराम है कहीं पे खाना खाएंगे रुक के, बट अभी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अभी वैसे भी जो एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है उसने 10:18 कर रखा है, तो होपफुली हम लोग इस टाइम को बीट कर पाएँ, और हम ज़्यादा लेट भी नहीं पहुँचना चाहते जयपुर, इसलिए अभी ही निकल रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस कैलकुलेट मतलब कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही गाइस, तो गाइस अभी हम NE4 पर चढ़ रहे हैं जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, और बस अब यहाँ से हमें जो डिस्टेंस बता रहा है जयपुर के लिए वो बता रहा है 254 किलोमीटर्स, एंड जो एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है वो 10:07 है, तो होपफुली इस टाइम को हम बीट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। और हमने यहाँ गाड़ी रोकी है यहाँ पे पहले रेस्ट एरिया में रोक ली, और अब खाना खाएंगे कुछ खा के, फिर अब उसके बाद नो ब्रेक्स, फिर सीधा घर ही चलेंगे। पिज्ज़ा लिए थे, पास्ता लिया है, और साथ ही साथ मैंगो से डोसा लिए, डोसा आने का वेट कर रहे हैं जब तक ये खा रहे। खाना खा लिया, डिनर हो गया बेसिकली, और अब यहाँ से सीधा चलेंगे जयपुर की तरफ, नो ब्रेक्स इन बिटवीन। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मच्छर मार लिए हमने गाड़ी में, बहुत ज़्यादा मच्छर मार लिए गाड़ी से, अब होपफुली कम मच्छर मरेंगे गाड़ी में। तो गाइस अभी 151 किलोमीटर्स मोर टू गो टू जयपुर, तो बेसिकली घर की लोकेशन है, तो 151 किलोमीटर्स मोर टू गो। एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल थोड़ा सा कम हो गया, पहले 11
आई थिंक 18 था, अभी 11:08 हो गया, 10 मिनट हमने कवर कर लिया और 2 आवर्स 20 मिनट्स मोर टू वो बता रहा है, तो होपफुली इस टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओके, आप व्यू इन्जॉय कीजिए, एनी का एक अलग ही बात है, मतलब गाइस देख सकते हो कि जयपुर कट आ गया, मतलब हम जयपुर कट ले रहे हैं, तो अब यहाँ से जो डिस्टेंस वैसे रहता है करीबन 70 किलोमीटर के आसपास रहेगा, 72 किलोमीटर है घर तक का डिस्टेंस। और आपको एक बार माइलेज का अपडेट दे दूँ, तो अभी ओवरऑल मेरी गाड़ी जो दे रही है 12.88 का दे रही है माइलेज, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है कंसिडरिंग कि 3 घंटे में जाम में खड़ा रहा, और जो अभी टोटल डिस्टेंस का ये बता रहा है वो 1215 मतलब 1215 किलोमीटर के लिए, 1216 किलोमीटर इनफैक्ट बता रहा है, तो आई थिंक इसके लिए काफ़ी सही माइलेज है। फाइनली हम ऑलमोस्ट जयपुर आ चुके हैं, तो घर 12 किलोमीटर रह गए, और आपको एक अपडेट दे दूँ डिस्टेंस का वैसे, तो करीब जो टोटल जर्नी हमारी रही है इस बार की वो रही है 1276.2 किलोमीटर्स की, आप मान लीजिए करीबन अप्रॉक्सीमेटली 1300 किलोमीटर, क्योंकि मैंने इसको जब रीसेट किया था हम थोड़ा जयपुर के बाहर आ गए थे और अभी भी हम थोड़ा जयपुर के बाहर ही हैं, 14 किलोमीटर जब भी फ़र्क था तब भी फ़र्क है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली लेके चल सकते हैं कि जो डिफरेंस था वो मतलब 1300 किलोमीटर्स है टोटल, और हमारी माइलेज 12.9 दिखा रहे हैं तो आप 13 मान लीजिए। और मेन इसलिए माइलेज कम हुई है क्योंकि इसमें वो 3 घंटे जैम के हैं, उसके अलावा दिल्ली का ट्रैफिक जो वापस आते वक्त हमें मिला था, और बाकी भी मतलब पहाड़ों पे जब चली है जब भी माइलेज ऑब्वियसली कम होगी थोड़ी, बट जब हम गए थे और हम जब फ्लैट रोड पे चला रहे थे तो आपको ध्यान होगा 15.7 की माइलेज चल रही थी, मुझे याद नहीं कि मैंने वीडियो पे लिया था कि नहीं, बट जब मुझे ध्यान है मैं जब चेक किया था 15.7 की माइलेज थी जब। और आपको ये भी चीज़ बता दूं कि मेरा आखिरी रुका भी ऐसी चलता है, और कई बार काफ़ी जगह मैं गाड़ी रोकता हूँ जहाँ पे गाड़ी चालू रहती है, मतलब बेसिकली गाड़ी रोकता हूँ कि और वो सुस वगैरह कराना रहता है, तो उस केस में भी गाड़ी चालू रहती है। और बाकी आप मैं आपको डिस्टेंस वैसे बता दूँ 11 किलोमीटर से मैंने आपको बता दिया रह गया, बाकी हमारी जर्नी बहुत अच्छी थी और बहुत ही मज़ा आया, और कैची धाम में पहली बार गया था, और गाड़ी ये वाली गाड़ी को मैं पहली बार ऐसे प्रॉपर हिमालय वाले पहाड़ों पे लेके गया था, और गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं हैरियर से पहले गया हूँ बट सफारी को लेके हम लोग अभी कभी तक हिमालयन रेंजेस पे नहीं गए थे, पहाड़ों पे गए हैं बट वो मुनार और इस तरफ गए हैं, बट गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हाई एल्टीट्यूड में, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ कहीं पर भी कि मतलब पावर की कमी है या टॉर्क की कमी है, तो हाँ बहुत अच्छा ट्रिप था। तो अगर आपको आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, बाय गाइस, टेक केयर।